से निवेदन है थोड़ी मंच से दूरी बना लें क्योंकि यहां कैमरा चल रहा है। आप सभी भक्त थोड़ी मंच से दूरी बना लें। स्वागत के लिए बड़े पिताजी दिनेश दुबे जी मंच पर पहुंचे आप और महाराज श्री का स्वागत करें। खा लो मटकिया ने भोड़ो
वेचन जात वृंदावन कृष्णलाल की जय हो। माखन चोर भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। मैया ने खूब समझाया पर भगवान ने एक ना मानी। गोपियां गई। एक दिन की बात, एक गोपी ने छकड़े में माखन लटका लिया और उसमें और दूसरी को हंस सुना। ब्रजमंडल की कथा है। अच्युतान्ते समर्पयामि
पुष्पम समर्पयामि हिमालयादीनि सुहसने हिमालयादीनि प्रभुनार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। माला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुण मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि तदेव लग्नम सुदनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते त्रिभुवनस्वरूपमे। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। आगे बिहारी लाल की जय हो। यजमान जी आके सबसे पहले पैर पूजेंगे रुक्मिणी कृष्ण भगवान के, फिर इसके बाद जो भी परिवार के लोग हैं वो भी सभी पैर पूजिएगा, और बाकी सभी भक्तों को रुक्मिणी कृष्ण भगवान के पैर पूजना है। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी मिलकर के बड़ी भाव से हमारे श्री बांकी बिहारी लाल के विवाह महोत्सव में सभी सम्मिलित होंगे। सभी क्या कहेंगे, आज मेरे शाम की शादी है, 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 नाम है सोदा।
कन्हैया लाल जय हो। दौड़कर भगवान ने गले से लगा लिया और भगवान ने निज सिंहासन तिष्ठा उत्तिष्ठ प्रतिपूजित कहा, निज सिंहासन पर ले जाकर के बैठाया। अच्छा सुनिए, जब भगवान दौड़ते हुए जा रहे थे ना, तो सभा सदों को ऐसा लगा कि लगता है आज आने वाली विभूति कोई बहुत बड़ी आई हुई है। ब्रह्मा आदि देवता, शंकर आदि देवता तो रोज आते जाते हैं भगवान के पास, और निश्चित आज कोई बड़ी विभूति का आगमन हुआ है, ऐसा विचार कर रहे थे। पर ऐसी आने वाली विभूति ऐसी होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आश्चर्य तो तब हुआ जब भगवान ने निज सिंहासन पर ला करके बैठा दिया और चरणों में भगवान बैठ गए। इतने रोए द्वारकाधीश देख देख कर, ऐसे बेहाल विवान सौ पग कंटक जाल लगे पुनि झोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अच्छा आज हमारा प्रयास रहेगा इस मंच के द्वारा सिद्ध करके और चावल का प्रसाद आप सब में वितरण करवाया जाए। विधि हम पहले बताए दे रहे हैं कि कैसे आप सबको, आने वाली माताएं वहीं ठहर जाएं जो भी यहाँ आ रही हैं मंच तक, एक जन जाके वहीं ठहराते हैं उनको, बैठाएं, अभी बैठिए जरा। विधि हम बताए दे रहे हैं आप सबको
जो प्रसाद यहाँ मंच से आपको दिया जाए चावल का, उस चावल की एक मुट्ठी चावल को 11 लौंगों के साथ एक लाल कपड़ा में बांधकर अपने अन्नपूर्णा यानी भंडार गृह में रख लेना ले जाकर के। ज्यादा तो कुछ नहीं, पर ठाकुर जी से इतना निवेदन हमारा जरूर रहेगा कि कभी भी किसी के घर में अन्नपूर्णा की कमी ना रहे। भागवत जी इस कथा का फल श्रुति जी को देना चाह रही हैं, तो यही इस समस्त बगासपुर वासियों को दे दें भागवत जी, ये हमारा मन का विचार है। धन जमीन ऐश्वर्य ये अलग विषय है, परंतु अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बनी रहे ऐसा निवेदन हम भागवत जी से करेंगे। मुश्किल से 10 मिनट में कथा का विश्राम हम लोग करेंगे। आप लोग तब तक अपने स्थान पर ही बैठे रहें और आनंद से प्रसाद लेकर के ही जाएं। पुनः हम बता दें, एक लाल कपड़ा, 11 लौंग और उसके पश्चात उसमें चावल, इनको बांध करके अपने भंडार गृह में रख लीजिए। तो माँ भगवती की कृपा से, अन्नपूर्णा मैया की कृपा से एवं श्रीमद् भागवत की कृपा से कभी जीवन में तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी। ये भागवत व्यास पीठ से आशीर्वाद है हमारा, कभी कमी नहीं आएगी। इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी का खूब स्वागत किया, चरण आंसुओं से श्याम धुलाए, पूरा परात भर गया, इतने दुखी हुए भगवान। ले गए स्नान, ध्यान, पूजन पाठ किया सुदामा जी ने। इसके बाद दोनों मित्रों में खूब सुंदर बातें हुई। भगवान ने कहा सुदामा जी से कि भाई तुम पहले से बैरागी थे, शादी वादी हुई कि नहीं? बोले सच बताऊं तो तेरी भाभी ने इधर पहुंचाया है। अच्छा, भाभी ने पहुंचाया तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए दिया होगा। अब वो जो चावल की पोटरी थी जो उसको छिपाई लिया, धीरे से कांख में दबाए लिया। बोले कुछ भी नहीं दिया। भगवान बोले जब से आए हो तब से देख रहे हैं कि इस कांख को दबाए हुए हो, क्या बात है? बोले क्या बताएं कन्हैया, ये दूर से चल के आया हूं तो इसलिए इस कांख में, इस हाथ में दर्द हो गया है। भगवान बोले हाथ में दर्द हुआ है चलने से, तो परम पैर तो फालतू में ही दबाए रहे, जरा हाथ ही को दिखाओ, हाथ दबाए दे। देख कन्हैया मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो भाई, हाँ बिल्कुल हाथ मत छूना। ऐसा कहा, भगवान कहां मान रहे थे, पोटरी हाथ से छीन ली और छीन करके भगवान ने पोटरी में से चावल उठाए, एक मुट्ठी चावल का भगवान ने पान किया, एक लोक की संपदा प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी चावल उठाए, दूसरे लोक की संपदा प्रदान कर दी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल उठाया और खाने लगे कि इतने में रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहा कि सरकार क्या सुदामा बनने का विचार है? अपना कुटुंब भी बहुत बड़ा है, अपने घर में भी भरे पड़े हैं लोग, कुछ इधर के लिए भी बच जाया, ऐसा निवेदन किया। या मानो इतने सिद्ध संत का प्रसाद है तो दो दो दाने तो मिले कम से कम। सारी रानियां आई आकर के सुदामा जी के चरण स्पर्श किए। भगवान ने पूरी रात बातें चली दोनों मित्रों में, सोए दोनों ने, पूरी रात बातें करते रहे। भगवान बोले सुदामा, बचपन का क्या समय था जब हम लोग जंगलों में घूमते थे, एक रात तो तुमको खबर होगी जब तुमने और हमने लकड़ी लेने गए थे तब वृक्ष के ऊपर रात काटी थी। सुदामा जी बोले वो रात्रि भाई कभी नहीं भूल सकता मैं। सारी बातें याद कराई भगवान ने। असल में सुदामा ने तो भगवान के साथ चोरी की ही नहीं थी, वो चावल जो थे एक बुढ़िया के थे, वो बुढ़िया जो थी गरीब थी, चोर आए उसके वो चने लेकर के वो भाग गए, एक पोटरी में रखे हुए थे। तो जब चने लेकर के वो भागे वहां से, तो उस बुढ़िया ने श्राप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी को इस बात का पता था, वही चने ले जाकर के उन चोरों ने उस आश्रम में फेंक दिए, गुरु माता ने सवेरे झाड़ू लगाते वक्त वो उठाए लिए। ये बात पता थी सुदामा जी को कि कहीं ये जो श्रापित चने हैं यदि इनको इस जगत का पति खा लेता है, जगत का अधिपति है, और यदि वो खा लेगा और वो दरिद्र हो जाएगा तो ये पूरी दुनिया दरिद्र हो जाएगी। इसलिए संपूर्ण संकट को ब्राह्मण रूपी सुदामा ने अपने ऊपर झेल लिया, ये सृष्टि दरिद्र ना होने पाए इसलिए अपने ऊपर ले लिया सुदामा। ऐसा ये परम पावन चरित्र